फ्रेंड्स, वेलकम टू शॉर्ट ट्रिक्स। और आज हम सीखेंगे कि किसी भी संख्या का स्केयर मतलब वर्ग कैसे करते हैं। बिल्कुल शॉर्ट ट्रिक्स है। तो आपको शुरू में याद रखना है कि 32 से 99 तक जो संख्या है उसका जो वर्ग होगा वो 4 डिजिट में होगा, 4 अंकों में होगा। बस ये याद रखना है और कुछ याद रखने की ज़रूरत नहीं है। मैं 32 का वर्ग निकाल रहा हूँ। 32 का वर्ग, स्क्वायर ऑफ 32। कैसे निकाल लोगे आप? 3 का स्क्वायर लिखिए यहाँ पे, 3 * 3 = 9। यानी 3 का जो वर्ग होता है वो 9 होता है, और 9 को आप 0 लिखोगे। 2 का आप स्क्वायर लिखिए 4, 4 को आप 0 = 4 लिखोगे। ये कम्प्लीट 0 * 4 में इसलिए लिख रहा हूँ क्योंकि टोटल आंसर ही हमारा 4 डिजिट में रहेगा। अब जो नेक्स्ट स्टेप क्या है, अब आप इन दोनों की गुणा को 2 से गुणा कर दीजिए। 3 * 6, 3 * 6, 6 * 12। तो आप 12 कैसे लिखोगे? 12 का जो फर्स्ट डिजिट है, यहाँ पे आप फर्स्ट डिजिट छोड़ के, पहला अंक छोड़ के यहाँ पे लिखोगे 2 और 1 = 12, ऐसे लिखोगे। बस डायरेक्ट अब आंसर आ गया, 4 * 2 * 9 = 10। ये आपका आंसर है। दूसरा एग्जांपल ले लेते हैं, 37। 37 को आप कैसे करोगे? 3 का वर्ग 9, 9 को लिखोगे आप 0 * 9, और 7 का वर्ग 49, 49 को आप ऐसे लिख लोगे। अब नेक्स्ट स्टेप क्या है, इससे आगे आप इन दोनों की गुणा को 2 से गुणा करोगे। 7 * 21, 21 को 2 से गुणा करो 42, 42 को आप ऐसे लिखोगे। ये पहला डिजिट छोड़ना है और ऐसे लिखना है। डायरेक्ट आंसर लिखो, 9 * 4 = 2 = 6, और 9 और 4 = 13। ये हमारा आंसर आ गया। और एग्जांपल ले रहे हैं, 41। मान लीजिए 41, अब आप इसका स्क्वायर कैसे निकालोगे, इसका वर्ग कैसे निकालोगे? 4 का है 16 और 1 का है 0, 1। ठीक है, अब नेक्स्ट स्टेप क्या है, 4 और 1 की गुणा, 4 * 4, और फिर उसको 2 से मल्टीप्लाई करो, 4 * 2 = 8, यानी 0 = 8, 1 = 8 = 6 = 1। ये आपका आंसर आ गया। और एग्जांपल लीजिए, मान लीजिए 57 है, 57 है, ठीक है, इसका निकालना है। कैसे निकालोगे? 5 का 25, 7 का 49, ठीक है। अब 5 और 7 की गुणा कीजिए, 7 * 5 = 35, और 35 को 2 से गुणा कीजिए, 35 * 2 = 70, 70 आप ऐसे लिखोगे। डायरेक्ट आंसर लिखो, 9 * 4 = 7 और 5 = 12, 3, 3239। दूसरा एग्जांपल ले लेते हैं, 87। 87 स्केयर कैसे निकालोगे? 8 का स्केयर क्या होता है? 64, और 7 का 49, ठीक है। अब आपको क्या करना है, इन दोनों की मल्टीप्लाई, 8 * 7 = 56, 56 की फिर 2 से 112, पहला डिजिट छोड़ के लिखना है 211, ठीक है ना। और 9 6 5 7। नेक्स्ट एग्जांपल ले रहे हैं, 93। कैसे सोल्व करेंगे? 9 का स्क्वायर, 9 का वर्ग 81, 3 का वर्ग 0 * 9, ठीक है। अब क्या करना है, 9 की 3 के साथ गुणा, 9 * 3 = 27, और 27 की 2 के साथ, 27 * 2 = 54, आप 54 ऐसे लिखोगे। डायरेक्ट आंसर लिखो, 9 4 6 8। ये आपका आंसर
आंसर है। इसके बाद कुछ ऐसी संख्याएं हमारे पास होती है जिसका जो फर्स्ट डिजिट है, इकाई का अंक है, वो 5 होता है। और इस टाइप के जो नंबर होते हैं उनका स्केयर निकालना और भी इजी होता है। जैसे कि मैं एग्जांपल ले रहा हूँ 25, 25 एग्जांपल है हमारे पास। इसका तो डायरेक्ट आप आंसर लिखिए, कैसे? फर्स्ट डिजिट 5, तो इसका स्केयर करिए 25, 25। और जो 2 है इसमें आप एक ऐड कर दीजिए, 2 में आप एक ऐड करोगे आएगा 3, 3 की और 2 की गुणा कर दीजिए, 3 दूनी 6, ये आपका आंसर आ गया। मान लीजिए अब दूसरा एग्जांपल ले रहा हूँ 35, पहला अंक क्या है 5, तो 25। इससे नेक्स्ट जो अंक रहेगा 3 में एक जोड़ दिया 4, 4 और 3 की गुणा करो 4 3 12, ये आ गया। और एग्जांपल ले लीजिए 75, 75, 5 5 25, और 7 में एक अंक जोड़ेंगे तो 8, 8 7 56, ठीक है। और एग्जांपल ले लीजिए 85, तो 5 5 25, और 8 में एक और जोड़ देंगे 9, और 9 8 72। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और मैं इस चैनल पे जो गवर्नमेंट जॉब होती है उनके लिए जितनी भी शॉर्ट ट्रिक्स हैं रिलेटेड टू मैथमेटिक्स, रीजनिंग एंड GK, वो सभी पोस्ट करता हूँ। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।